Kendra Mantri Vargantis Kuna Nerne Alpai, Kendra Mantri Ravi Shankar Prasad Matladutunnaru live lo chuddam. Computed, the salary, the pension, the gratuity will be 125%. और बात ये का उसी के अनुसार होगा तो हमने बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दिया है जिसे हम वीआरएस कहते हैं और वीआरएस में हम एक बताना चाहते हैं कि वीआरएस मींस वॉलंटरी इट नॉट बी अ फोर्स वन बट हम इसको वॉलंटरी लेकर के जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इतना बढ़िया पैकेज है क्योंकि यहां हमें यह बताना जरूरी है कि अगर हमें देश के इस स्ट्रैटेजिक एसेट को कॉम्पिटिटिव बनाना है तो जहां बाकी टेलकोस का ह्यूमन रिसोर्स खर्चा सिर्फ 5% है ऑफ देयर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इन दोनों बॉडीज का ऑलमोस्ट रेशियो 70% तो इसीलिए और हमने सारे जो चर्चा की तो इसको लेकर के हम आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने We are really appreciative of the Government of India's initiative. The Government of India will be putting in 29,937 crores. That means close to 30,000 crores, which will be on account of ex-gratia and 12,678 on because of pensionary benefit. क्योंकि पत्रकारों को मालूम होगा कि pension देने का obligation Government of India का है. ये रूल्स में प्रोविजन है इसके अलावे जो स्पेक्ट्रम आएगा उसका जो जीएसटी होगा 4,000 करोड़ वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजटरी प्रोविजन से फिक्स करेंगे बजटरी प्रोविजन से उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे फॉर इट दूसरी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एडजस्टिंग इट कहने का मतलब ये है फ्रॉम द बजटरी प्रोविजनिंग मित्रों इसी कड़ी में रिवाइवल की कड़ी में जो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बीएसएनएल और एमटीएनएल को मर्ज करने जा रहे हैं बीएसएनएल एमटीएनएल को अब हम एक दूसरे में मर्ज करने जा रहे हैं या एमटीएनएल को बीएसएनएल में मर्ज करेंगे लेकिन तुरंत मर्जर नहीं हो सकता कुछ समय लगेगा क्योंकि आपको मालूम होगा कि एमटीएनएल एक लिस्टेड कंपनी है शेयर्स हैं उनको ऑफलोड करना पड़ेगा उसके प्रोसेस हैं तो समय लगेगा तब तक एमटीएनएल विल एक्ट एज ए सब्सिडियरी ऑफ द बीएसएनएल ये सो हम जो चीजों को फास्ट ट्रैक करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दो वर्षों में बीएसएनएल विल बिकम एबिटा पॉजिटिव और आने वाले दो वर्षों के बाद ये पूरे प्रॉफिट में आ जाएगा हम बहुत विनम्रता से प्रधानमंत्री जी का टेलीकॉम मंत्री के रूप में धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बीएसएनएल और एमटीएनएल के स्ट्रैटेजिक एसेट को समझा और चूंकि इसमें कई और फैसले लेने वाले हैं इसलिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठेंगे जो इसके लिए हर बार कैबिनेट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हम लोग फैसले करते जाएंगे तो दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डनरी रिवाइवल पैकेज ऑफ बीएसएनएल एमटीएनएल और आज के दिन मैं बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारियों से अपील करूंगा कि जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने इतना लिबरल लुकिंग उनके लिए पैकेज लाया है तो सभी उत्साह के साथ इन दोनों ऐतिहासिक संगठनों को मजबूत करेंगे प्रोफेशनल करेंगे कॉम्पिटिटिव बनाएंगे धन्यवाद वन मिनट क्वेश्चंस वी विल टेक आफ्टरवर्ड्स लेट हरदीप पुरी ऑल्सो स्पीक ऑन बहुत जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि दिल्ली के 40 लाख जो अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं नागरिक है हमारे उनको जहां रहते हैं वो जमीन चाहे निजी हो या सरकारी हो उसको मालिकाना हक को उनको मिलने का फैसला हुआ है तो उसके बारे में हरदीप पुरी जी प्रकाश जी थैंक यू वेरी मच